Should India go unchanged in the fourth test match? क्या विराट कोहली को करना चाहिए एशिया कप में थोड़ा सा विश्राम? Is Krunal Pandya good option for the Asia Cup? Well, it's time for hashtag आपकी वाणी on आकाशवाणी. चलिए hashtag आकाशवाणी भी लगा लो और शुरुआत करते हैं. पहला सवाल अनुज, should India go unchanged? भाई मौका तो है यार, दस्तूर भी है, क्योंकि अगर अश्विन फिट एंड अवेलेबल है देन देयर इज नो रीजन फॉर विराट कोहली टू मेक अनदर चेंज. 38 मैचेस में नहीं किया है, कर दो यार 39 में, जस्ट गो अनचेंज. पीपल हु प्लेड द लास्ट गेम इन नॉटिंघम शुड बी प्लेइंग इन साउथहैम्पटन इज व्हाट आई फील, अनलेस पिच पे बिल्कुल ही मिट्टी और बहुत टर्न होने वाली हो. ऐसा इंग्लैंड में थोड़ी ना होता है. चेतन ने पूछा कि विराट कोहली को क्या चीज है जो बाकी दूसरे कप्तानों से अलग बनाती है, दूसरे बल्लेबाजों से अलग बनाती है. लेट्स टॉक अबाउट द बैट्समैन. किसी का भी अगर एवोल्यूशन देखना हो ना तो ये देखें कि आज से 6 महीने पहले वो कैसे थे, आज से 2 साल पहले वो कैसे थे. शुरू किया था तो बाउंसर पे आउट होते थे, फिर कहा किसी ने कट नहीं मारते, फिर किसी ने कहा स्वीप नहीं मारते, फिर किसी ने कहा कि जेम्स एंडरसन की स्विंग पे आउट हो जाते हैं. एवरी सीरीज एवरी मैच वो जैसे हमारे फोन के सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं ना, विराट कोहली की बैटिंग अपडेट होती है, अपग्रेड होती है. अनबिलीवेबल ये खिलाड़ी है. एज अ कैप्टन आई थिंक स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, और फाइनल प्रोडक्ट अभी हमने नहीं देखा है, लेकिन एज अ बैट्समैन ही इज जस्ट टॉप क्लास बैट्समैन. आई लव हिम टू बिट्स. ये तरुण ने पूछा कि क्या इंडिया को क्रुणाल पंड्या का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या इज ही अ टेम्पटिंग ऑप्शन? 100% ब्रदर, ही इज अ वेरी टेम्पटिंग ऑप्शन. आपके पास 2 रिस्ट स्पिनर हैं, एक फिंगर स्पिनर को रख लीजिए, और आप एशिया कप कहाँ हो रहा है, यूएई में, कंडीशंस कैसी होंगी, थोड़ी सी मिट्टी वाली पिचेस रहेंगी, थोड़ी सी गर्मी ज्यादा रहेगी, तो फिर यू मे नीड अनदर स्पिनिंग ऑप्शन एंड क्रुणाल कुड बी अ फिनिशर एज वेल. तो जो क्वाड्रेंगुलर सीरीज चल रही है ना, क्वाड्रेंगुलर सीरीज जो चल रही है, जो इंडिया ए इंडिया बी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, उसकी परफॉर्मेंस को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दे तब पता चलेगा. क्या कश्यप, क्या एशिया कप में विराट को इंतज़ार या आराम करना चाहिए? पहले दिमाग कहता है करना चाहिए, बैक का इशू है, बहुत लंबे समय से खेल रहे हैं, अरबी घोड़े को ज़्यादा मत भगाओ यार. लेकिन दिल क्या कहता है, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान पॉसिबली 3 टाइम्स अगेंस्ट ईच अदर. I can't see India playing against Pakistan without Virat Kohli at the helm of the affairs. Mohammad Amir aur Virat ki agar ek baar phir thoda sa jaddo-jahd na ho to phir kya maza aayega. Are ye sawal pucha Siddharth ne ki main aapke sawalon ka jawab nahi deta, lo ab de raha hu. Kya Jadeja ko Ashwin ki jagah khilana chahiye? Nahi khilana chahiye. Agar Ashwin fit and available hai then there is no question of changing Ashwin and going towards Ravindra Jadeja. I know कि जब 2 स्पिनर खिलाने हो तो उनको खिलाना चाहिए था. मे बी अहेड ऑफ कुलदीप यादव ही शुड हैव प्लेड इन एट लॉर्ड्स. से लॉर्ड्स के तो दूसरे स्पिनर की जरूरत ही नहीं थी. नो 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 जडेजा फॉर मी इफ अश्विन इज फिट एंड अवेलेबल. हाँ ये अच्छा सवाल है. अमन ने पूछा कि कब इंडिया खेलेगी पिंक बॉल क्रिकेट? यार आई एम वेटिंग विद बेटेड ब्रेथ, क्योंकि हम लीडर्स हैं वर्ल्ड के, और हम वर्ल्ड को बताते हैं, हम समझाना चाहते हैं क्रिकेट किस तरह से खेली जानी चाहिए, क्योंकि इंडिया इज इन दैट काइंड ऑफ अ पोजिशन. पिंक बॉल क्रिकेट डे नाइट टेस्ट मैच शुड हैपन सूनर देन लेटर. दिलीप ट्रॉफी तो पिछले 3-4 साल से पिंक बॉल से चल रही है, तो फिर आई थिंक द टाइम इज राइट. चाहे वो इंडिया में खेले चाहे बाहर जाके खेले, बट दिस पिंक बॉल टेस्ट मैच हैज टू हैपन. यू नो व्हाई? इसका एक कारण है कि जो नेक्स्ट जनरेशन जो फ्यूचर क्रिकेटर्स है ना, दे वॉच देयर स्टार्स प्ले द IPL कलर्ड कपड़ों में, वन डे T20. इफ दे डोंट सी विराट कोहली प्लेइंग इन व्हाइट क्लोथिंग, व्हाइट फ्लैनल्स, तो फिर कैसे वो एकदम से एक्साइटेड होंगे, इंस्पायर हो जाएंगे कि चलो हमें खेलना है टेस्ट क्रिकेट दे. सो लेट्स प्ले करो ना यार, कुछ कोशिश करो. अरे ये तो नीलेश जी ने पूछा कि क्या आप भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर बनने का अगर मौका मिला तो बनेंगे? बिल्कुल बनूंगा यार अगर मौका मिला तो. और क्या कोच बनेंगे अगर IPL टीम का कोच बनने का मौका मिला? हाँ वो भी बन जाऊंगा, लेकिन इस समय टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग, आंसरिंग योर क्वेश्चंस एंड कमेंटेटिंग. आई एम वेरी हैप्पी विद दैट एट द मोमेंट. अजंता ने पूछा एशिया कप में क्या आपकी कमेंट्री सुनने को मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी, बहुत बेटेड ब्रेथ से. मैं तो बहुत इंतजार कर रहा हूँ, बड़ा लंबा समय हो गया, कमेंट्री भूल सा गया हूँ मैं कि ऐसे करता था, तो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. पाकिस्तान के बारे में मुआज ने बोला कि पाकिस्तान में भी हमारी जरा फॉलोअरशिप है भाई, आकाशवाणी वहाँ भी सुनते हैं. तो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला आपको भी इंतजार है, मुझे भी इंतजार है, इट शुड बी अ हमडिंगर. इन फैक्ट आई एक्चुअली फील दैट इट विल बी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप फाइनल. जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ था वैसा ही होगा, मे बी विद अ स्लाइटली डिफरेंट रिजल्ट, डोंट माइंड. और एक और सवाल था, ये था कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप में रवि शास्त्री या राहुल द्रविड एज अ कोच? I think that fate has already been sealed. Ravi Shastri is going to be there till the World Cup 2019. It makes sense, na? Jo aap team ke saath judte hain, ek lamba aap stint rakhna chahte hain, baar baar coaches mein badla,
बिल्कुल नहीं, टीम अच्छा कर रही है, वनडे में तो बहुत ही अच्छा कर रही है, टेस्ट में भी बाहर जाके जीत रही है, तो फिर आई एम गोइंग टू स्टिक विद रवि शास्त्री टिल द 2019 वर्ल्ड कप, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। नाउ डू मी अ फेवर, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट फटाफट से करो, आपकी वाणी इज देयर ऑन #आकाशवाणी।